वेलकम फ्रेंड्स, योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स इजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में अपन डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अपन स्टैट्स में 40 मार्क्स की जो अपने आने वाली है उसमें से 30 मार्क्स का कोर्स अपन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए चेक करिए और अपने 30 मार्क्स को कन्फर्म कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को आपके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आपको सारे वीडियो सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। फाइन, नो फ्रेंड्स, देखते हैं अर्थमेटिक सीरीज को अपन डिस्क्रीट सीरीज में और फ्रीक्वेंसी एरे में। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे एक ही बात होती है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। तीन मेथड्स होते हैं बेसिकली इसके। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड होता है स्टेप डिविजन मेथड। एक बात याद रखिएगा कि अपन किसी भी मेथड से अपन सॉल्यूशन निकालें उस डेटा का, जो अपना डेटा अवेलेबल है, जो अपना इलस्ट्रेशन है, किसी भी मेथड से निकालें, आंसर तीनों मेथड से सेम ही आने वाला है। फाइन, अब देखिए डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे अपन को पता है ये मीन होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स, एफ इज फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ एफ, राइट। डिस्क्रीट सीरियल तो एफ तो इसमें आने वाला है, राइट। अब देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने ले रखे वेजेस, सेकेंड कॉलम में मैंने ले रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर ये कहें फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड कॉलम में ले रखा है एफ एक्स, ठीक है। अपने को जो जो चाहिए फॉर्मूले में सब चीज अपने कॉलम में, अपने पास क्वेश्चन में जो आएगा, जो अपने पास क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, अपन को ये दो चीजें दे रखी होगी और अपन को पूछा होगा मीन बताइए, तो अपन को ये वाला कैलकुलेट करना है। मीन निकालने के लिए अपन को ये चाहिए तो मैंने थर्ड कॉलम बना लिया है, अब ये अपन को दे ही रखा है और एक्स भी अपन को दे रखा है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहले तो ये निकाल लीजिए सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ मतलब इन सबका सम, इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए, 5 और 9 12 13 14 14 और 5 19, राइट, 19 आ रहा है ना, 5 9 10 11 12 13 14 19। अब देखिए सम ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स, एफ कितना ही रहा, एक्स अपन को पता है वेजेस एक्स है, ये एक्स अपने को पता है, अपन ने पहले देखा था, ये 10 4 से कितना आया 40, 25 से 100, सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, 33 से 90, 42 से 80, ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। एंड ये आप इनका सम कर लेंगे तो अपना ही पास ये वाली चीज आ जाएगी, क्या आएगा इनका सम देखिए, यह आया 560। अब सिंपल से इसको पुट करना है, मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स कितना है 560, ये आ गया 560 अपॉन सम ऑफ एफ, ये कितना है 19, इसको कैलकुलेट करेंगे कितने जाएगा, इस करेंगे तो अपना आएगा 29.47, ये अपना आ गया आंसर। फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे शॉर्टकट मेथड से अपन मीन कैसे निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, राइट। ये देखिए मीन निकालने का क्या है, ए अज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी इज फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन अपॉन सम ऑफ एफ, राइट। अब देखिए मैंने सिंपल फर्स्ट कॉलम में वेजेस ले रखा है, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि डी कैसे निकालते मैंने उसमें पूरा बता रखा है इंडिविजुअल सीरीज में, राइट। देखिए फर्स्ट कॉलम वेजेस ले रखा है, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स या ये है फ्रीक्वेंसी है, थर्ड कॉलम में डी, डी निकालने का क्या तरीका है, एक्स माइनस ए, राइट। और अज्यूम मीन लेंगे, ए निकालना है अपन को तो अज्यूम मीन लेके चलेंगे, एंड फोर्थ कॉलम में सम ऑफ एफ डी, राइट। पहले ये सारी चीजें निकाल लेंगे उसके बाद फिर अपन सिंपली फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे। अपन को जो क्वेश्चन में जो दिया होगा वो ये फर्स्ट टू कॉलम दे रखे होंगे, सेकंड लास्ट टू अपन को निकाल लेंगे, राइट। अब देखिए अपन को अज्यूम मीन अपन किसको लेंगे, अपन को पता है मिडिल वैल्यू उसको लेते हैं एक्स में से, एक्स क्या है गेरा, मिडिल वैल्यू अपनी होगी 30, तो अपने अज्यूम मीन अपन ने ले लिया 30, ये आ गया इधर 30, राइट। अब अपन एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स कितना है 10, ए कितना है 30, तो कितना आएगा माइनस 20, राइट, ये माइनस 20 है। उसके बाद आप 20 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10, 30 में से 30 माइनस करेंगे तो 0, सिंपल मैंने इसे सॉल्व किया। उससे आप इसके बाद अपन ये देख लेते हैं ये सम ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पर को चाहिए होगा कितना है, ये आ गया 19, राइट। अब एफ डी निकालना है, एफ डी के लिए क्या करना है, सिंपल एफ को ये रहा एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, डी निकालने का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, राइट, कितना आएगा माइनस 80, ये कितना आएगा माइनस 50, ये आ गया 0, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा पूरा सब कुछ अपने पास आ जाएगा, राइट। कितना आएगा ये 80 ये माइनस 130 आ गया इधर और ये आ गया प्लस 120, तो कितना आ गया सर एफ डी माइनस 10 आ गया ना, माइनस 130 प्लस 120 माइनस 10 आ गया। फ्रेंड्स, अपन सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे मीन निकालने के लिए क्योंकि अपने पास सारे फिगर्स आ चुके हैं, ए कितना है 30, ये अपना आ गया इधर 30, राइट, प्लस सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ डी कितना है माइनस 10 अपॉन सम ऑफ एफ 19, ये देखना सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ डी के नीचे आएगा, ए के नीचे सम ऑफ एफ नहीं आएगा, राइट। अब क्या आएगा इधर सॉल्व करके
ब्रैकेट खोला था तो 30 माइनस इन दोनों को सॉल्व किया तो 0.53 आएगा, फिर इसको आगे सॉल्व किया तो अपना आएगा 29.47। अब आपने एक बात देखी होगी इंडिविजुअल सीरीज में अपन ने जो कैलकुलेट करा था उसका भी आंसर यही आ रहा है, इसका भी आंसर यही आ रहा है। नाउ फ्रेंड्स अपन देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू अपन मीन कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ये देखिए मीन का क्या फॉर्मूला है, ए अज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ इंटू स्टेप डेविएशन, डी नहीं है ये स्टेप डेविएशन है, अपॉन एफ इंटू सी, ये सी अपना नया टर्म और ये स्टेप डेविएशन नई चीज है। कैसे निकालते हैं, सी मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर, राइट। अब जो अपनी इंपॉर्टेंट जो चीज है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम अपन ने पहले वाले एग्जांपल के ले रखे हैं, मतलब शॉर्टकट मेथड ही ले रखा है, क्यों, क्योंकि अपन को चेक करना है तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, राइट। अब देखिए डी स्टेप डिवीजन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए ये रहा, अपॉन सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अपन इसमें से लेंगे डी में से लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो सबसे इजिली मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए मैं सबसे इजिली कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन है, डिवाइड हो रहा है सॉरी, इजिली अपन टेन का मल्टीपल है ना ये, तो अपन कॉमन फैक्टर यहाँ पे लेंगे 10, क्योंकि अपन को डिवाइड करना है सी से। अब मैंने 10 को डिवाइड किया माइनस 20 से तो कितना आ गया मेरा माइनस 1, माइनस 10 को डिवाइड किया 10 से तो अपना आ गया सॉरी इधर आएगा माइनस 2, क्योंकि माइनस एक्स माइनस ये रहा ना माइनस 20, माइनस 20 को मैंने डिवाइड किया 10 से तो माइनस 2 आएगा, माइनस 10 को डिवाइड किया मैंने 10 से माइनस 1 इधर 0। सिंपल सी एक ही बात है, स्टेप डेविएशन मतलब जो अपना डेविएशन आया एक्स माइनस ए उसको सी से डिवाइड कर देना है, सी मतलब ऐसा नंबर जो सबसे इजिली डिवाइड होता हो, राइट। तो अपना 10 है तो अपन ने इधर 10 ले लिया और इनको सबसे डिवाइड कर लिया, इसको करने का मतलब यही है स्टेप डिवीजन को, बड़ी फिगर्स को अपन छोटा करते हैं और कोई रीजन नहीं है, राइट। अब सिंपली एफ इंटू स्टेप डिवीजन करो, अब इसको स्टेप डिवीजन को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, पहले अपन ने शॉर्टकट में इन दोनों को किया था पर स्टेप डिवीजन आ गया तो स्टेप डिवीजन को एफ से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 8, ये कितना आया माइनस 50, ये कितना है 3 × 0 = 0, इसको सॉल्व करके माइनस 1 आएगा। अब सिंपल सा वैल्यूज को पुट कर देना है अपने फॉर्मूले में आ जाएगा आंसर, ए कितना किया था मैंने 30, ये 30 आ गया प्लस सम ऑफ एफ ये आ गया माइनस 1 अपॉन सम ऑफ एफ कितना है 19 इंटू सी कॉमन फैक्टर आ गया सी, इसको अपन जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा ये 30 माइनस इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस 0.053, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 0.53 और ये अपना आ जाएगा 29.47, सेम आंसर आ गया ना सबका। फ्रेंड्स देखिए यहाँ माइनस 50 नहीं आएगा माइनस 5 आएगा, क्योंकि अपन सेकंड और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 माइनस 1 इज माइनस 5, राइट।